ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला ऊना में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री बरिंदर कंवर ने शिरकत की और इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से उपस्थित रहे। यहां पर देश विदेश भर से आए लगभग 40 विभिन्न संस्थाओं के उद्यमियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। जिला ऊना में आज से राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री बरिंदर कंवर ने शिरकत की और इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से उपस्थित रहे। यहां पर देश विदेश भर से आए लगभग 40 विभिन्न संस्थाओं के उद्यमियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। कंवर बस सत्ती ने प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 दिवसीय राज्य स्तरीय मेले के शुभारंभ अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र कंवर ने कहा कि ऐसे प्रदर्शनियों से स्थानीय लोगों को लघु उद्योग लगाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार 85% उपदान प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को लघु उद्योग या फिर कोई व्यवसाय अपनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से उपदान राशि लेकर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए, ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक तो स्थानीय लोगों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों से सामान क्रय करने का मौका मिलता है और दूसरे स्टॉलों पर रखे नए नए निर्मित उत्पादों को स्वयं तैयार करने की प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र कंवर ने खादी ग्रामोद्योग के कार्यक्रमों की सराहना की तथा कहा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मांगेराम जी हमारे साथ हैं। ये गांव में जो हमारा जो पुस्तैनी हैंडीक्राफ्ट होता था, जो जिसकी चिंता महात्मा गांधी जी ने भी की, जब महात्मा गांधी जी से पूछा जाता था देश की आज़ादी की लड़ाई के समय कि भविष्य का भारत कैसा होगा, तो वो कहते थे कि हम गांव के अंदर जहां स्थानीय निकायों को मजबूत करेंगे, वहीं जो गांव का हैंडीक्राफ्ट है, स्मॉल स्केल है, लघु उद्यमी जो गांव के अंदर है, हम उनको जो है उनका संरक्षण भी करेंगे और उसको बढ़ाएंगे, ताकि इसके माध्यम से ज़्यादा जो है वो रोजगार गांव के अंदर जो है वो लोगों को मिले। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद चाहे जो भी सरकारें रही, इस और जो है वो कम ध्यान जो है वो सरकारों का रहा, और सरकारों की बड़े बड़े उद्योगों की बड़े बड़े सरमाएदारों की नीतियों का संरक्षण करते हुए हमारा आज पूरी तरह से जो है वो तबाह हो गया है, ये जो स्मॉल स्केल है गाँव के अंदर। वहीं अनुराग ठाकुर द्वारा दिल्ली चुनाव में लगाए गए नारों पर कांग्रेस इस देश का माहौल खराब करने की बात करने पर कंवर ने कांग्रेस को कठघड़े में खड़ा किया। उन्होंने कांग्रेस को जेएनयू मामले पर सोनिया और राहुल गांधी को उनके साथ खड़े होने की तुलना की और कहा कि अनुराग ठाकुर ने देशद्रोहियों के खिलाफ नारे लगाए हैं, न कि लोगों के खिलाफ। वहीं उन्होंने हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा राठौर बिना सेना के सेनापति हैं और जब से वे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं तब से कांग्रेस शून्य की ओर बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी से मुद्दा हटाकर सीसीए पर लगा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, है ना, वो बिन वो सेनापति उस सेना के हैं जिसके पीछे कोई सेना ही नहीं है, तो इस करके उनके बयानों को ज्यादा कोई गंभीरता से आजकल ले नहीं रहा है, क्योंकि जब से वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं उसमें से लगातार कांग्रेस जो है वो शून्य की ओर जो है वो शून्य की तरफ जो है वो बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि वो एक रसम अदायगी जो है वो कर रहे हैं। कांग्रेस की ये पुरानी नीति है, जिस तरह से वो जेएनयू या दूसरे मामलों में जो एक देशद्रोह पूर्ण कार्य वो लोग आज इस देश के अंदर कर रहे हैं और देश को तोड़ने की बातें कर रही हैं। आज कांग्रेस के राहुल गांधी जो है
वो वहाँ पर जा करके और सोनिया गांधी उनके साथ जो है वो खड़ी होती है, तब उनको जो है वो देशद्रोह नहीं दिखता है। लेकिन अगर चुनाव के दिनों में कोई जो है वो कोई नारे लगे हैं तो देशद्रोहियों के खिलाफ लगे हैं, कि जो देशद्रोही हैं उनको जो है वो अगर ऐसी कोई बात आई है, ऐसा कोई नारा लगा है तो देशद्रोहियों के खिलाफ लगा है, न कि देश के जो लोग हैं उनके खिलाफ। हिमाचल कांग्रेस